विश्व के आश्चर्यों में से एक है, प्राकृतिक ठोस चट्टानों में से अत्यंत सुंदर कलात्मक भवन निर्माण और शिल्प साधना। मानव द्वारा सृजित प्राकृतिक चट्टानों में दस्तकारी और वास्तुशिल्प के अनुपम उदाहरण महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। ये सबसे प्राचीन गुफा मंदिर दक्षिण के पश्चिमी भाग में है, जहां और भी अनेकों गुफा मंदिर हैं। वेरूल, जो अब एलोरा के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन गुफाओं को चरणांद्री पर्वत श्रृंखला में खुदाई कर लंबवत बसाल्ट चट्टानों से काटकर तराशा गया है। गुफा नंबर 32 के पास ज्वालामुखीय उद्भेदनों के चिन्ह रूप जल मार्ग, जिनसे पिघला द्रव्य निकलता था, हम अब भी देख सकते हैं। ये बसाल्ट पत्थर एलोरा के वास्तुशिल्प कला के लिए अति उपयोगी और अनुरूप हैं। इनमें से शिल्पी चट्टानों पर शाश्वत स्मारक बना गए। पुरातत्व वेत्ताओं ने प्रमाणित किया है कि 20,000 वर्ष पूर्व ये स्थान लोगों से आबाद था। ईसा के आदिकाल में इस क्षेत्र में शातवाहन वंश के राजाओं का शासन था। उस समय एलोरा एक प्रमुख केंद्र बना। व्यापारियों और वणिकों की सहायता के अलावा राजकीय संरक्षण भी एलोरा को मिलता था। गुफा नंबर 15 के पीछे की दीवार पर राष्ट्रकूट के दंडी दुर्ग के आश्रय और संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। ये राजा ईसा पश्चात 753 से 787 में हुए थे। फिर गुफा नंबर 16 में एक शिलालेख कृष्ण एक को समर्पित है, जो कैलाशनाथ मंदिर से संबंधित थे और दंडी दुर्ग के चाचा व उत्तराधिकारी थे। एलोरा को काल क्रमानुसार विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे धर्म मतानुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। अजंठा के असमान एलोरा केवल बौद्ध गुफाओं तक ही सीमित नहीं है, यहां हिंदू और जैन मंदिर भी हैं। अनेक बौद्ध और हिंदू गुफाएं राष्ट्रकूट काल की हैं। जैन मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, चालुक्य और देवगिरी के यादव शासकों के समय में। अतः ये धार्मिक संगम का स्थल है। इससे धार्मिक सहिष्णुता और एकता, जो भिन्न भिन्न धर्मों के बीच उस समय व्याप्त थी, उसकी जानकारी मिलती है। एलोरा के द्वार विश्व के लिए सदा खुले रहे, ये यात्रियों को, विदेशियों को, जनसाधारण को और राजा महाराजाओं को आकर्षित करता रहा। एलोरा की इन गुफाओं का खनन 6वीं शताब्दी में कालीछारी के काल में गुफा नंबर 29 डूमार लेनी गुफा से हुआ। इसके बाद गुफा नंबर 10 या विश्वकर्मा गुफा और दो ताल और तीन ताल गुफा, जो 11 और 12 नंबर के हैं, ये चालुक्य शासन में शुरू किए गए थे, 7वीं शताब्दी से 8वीं की शुरुआत तक। अंत में गुफा नंबर 15 या शिलालेख गुफा, जो राष्ट्रकूटों के समय की है और 8वीं-9वीं शताब्दियों तक चलती रही। एलोरा में प्रमुख रूप से ब्राह्मण मंदिर हैं, ये 17 हैं, बौद्ध मंदिर 12 हैं और जैन 5, कुल मिलाकर 34 मंदिर हैं। पहले पहल बौद्ध मंदिर बने 5वीं शताब्दी में, इसके पश्चात हिंदू मंदिर गिरिजा नदी के पास। एलोरा शीघ्र ही हिंदुओं का तीर्थ स्थान बन गया। इसके बाद ही जैन मंदिर बने। प्राचीन बुद्ध मंदिरों की ही तरह एलोरा के मंदिर भी ऐसे कारीगरों द्वारा निर्मित हुए, जो चट्टानों में लकड़ी की बनावट और रचना का पुनरुद्धार करने की कोशिश करते थे। एलोरा की चित्रकला अब फीकी पड़ गई है, आने वाली संतति के लिए नहीं बची। केवल 5 गुफाओं में इन दीवारों पर खींचे चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। एलोरा के मंदिरों में कला, धर्म और वाणिज्य जीवंत हैं।
जैसे जैसे रोम और दक्षिण पूर्वी आशिया का सामुद्रिक व्यापार बढ़ा, उसका प्रतिबिंब चट्टानों पर भी दिखाई पड़ा। अति वैभवशाली मेहराब और खंभे, मंदिरों में विस्तृत बाहरी भाग इत्यादि। बौद्ध भिक्षु अक्सर इन व्यापारिक रास्तों से आते जाते और इन मंदिरों के निर्माण में सहायता करते थे। समय के बीतते यहाँ की निर्माण कला भी उन्नति के शिखर पर पहुंची। इसका अनोखा नमूना एक ही चट्टान से खोदा गया कैलाशनाथ का आलीशान हिंदू मंदिर है। बौद्ध गुफाएं। गुफा नंबर एक से शुरू करते हैं। ये एक विहार या आवास स्थान है जहां भिक्षु रहते थे। एक चौकोर सभा मंडप के एक तरफ की दीवार में चार कोठरियां हैं। इस गुफा में किसी प्रकार का अलंकार, खंभे और शिल्प मूर्ति नहीं है। साथ ही है गुफा नंबर दो। ये उपासना स्थल है। बाहरी बरामदे के एक आले में पंचिका, जो धन का देवता है, और हरिति, जो समृद्धि व सौभाग्य की देवी है, उनकी मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार में द्वारपालक या आरक्षक हैं। साथ में खिड़कियां हैं। बड़ा हॉल 12 स्तंभों से आश्रित है। इनमें से कुछ गुलदस्तों और पत्तों के गुच्छों से अलंकृत हैं। इसके बगल में दोनों ओर दहलीज अथवा चित्रशाला है। पीछे की दीवार के मध्य में एक बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, 3 मीटर ऊंची। साथ ही दो खड़े बुद्ध भी हैं। दोनों तरफ की दीवारों में बोधिसत्व, अप्सराओं और परियों सहित बुद्ध की 5 मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 3 भी ऐसे ही है। उसमें बीच का एक चौकोर कमरा है। कमरे के आखिरी छोर में बुद्ध एक कमल पर विराजित हैं। दीवारों के चारों तरफ 12 ध्यान की कोठरियां हैं। गुफा नंबर 4 2 मंजिला है। यहां बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक और हैं मंदिर में। दूसरी मूर्ति अधूरी है। ये हाल गुलदस्ते और पत्तों के गुच्छों से अलंकृत हैं। गुफा नंबर 5 कुछ अलग है। ऊंचाई पर खोदा हुआ ये गुफाओं में सबसे बड़ा एक ही मंजिल का है। एक विशाल हॉल है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तीनों तरफ की दीवारों के बीच ड्योढ़ियां हैं और उनमें छोटी कुटियां। चारों ओर इन बड़े खंभों पर गहन पत्तों के गुच्छे और पदक शिल्पित हैं। जमीन पर खनन की गई चौकियां हैं। लगता है ये कक्ष भोजन कक्ष था। प्रमुख मंदिर के प्रवेश द्वार में बोधिसत्व की अलंकृत मूर्ति है, जो साफे और आभूषणों से सुसज्जित है। जमीन पर पद्मासन में बैठे बुद्ध की जगह यहाँ पर बुद्ध एक आसन पर बैठे हैं। गुफा नंबर 6 में कई अति विशाल मूर्तियां हैं। इसके बाहरी भाग में एक असाधारण दृश्य है, देवी तारा का, जो अपने भक्तों को एक सांप से बचा रही हैं, एक तलवार, एक हाथी, आग और एक टूटा हुआ जहाज। नंबर 7 एक सादा कक्ष है। गुफा नंबर 8 की अलग निशानी है, क्योंकि एलोरा में ये ही एक ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह पिछली दीवार से दूर है और एक घुमावदार पगडंडी चारों तरफ है। गुफा नंबर 9 में खुला छज्जा है और एक बरामदा और एक मंदिर। गुफा नंबर 10 एक चैत्य या प्रार्थना कक्ष है, जिसको विश्वकर्मा नाम दिया गया है, जो कि देवताओं के वास्तुशिल्पकार हैं। प्रार्थना कक्ष भिक्षुओं के आवास स्थान के नीचे है। इनके दोनों तरफ बरामदे हैं, जो नीचे के भाग से उठाए गए हैं और अनेक मृगों से शिल्पित हैं। एक विशाल स्तूप है, बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति, साथ उड़ते सेवक और बोधिसत्व। बरामदे के साथ कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की दहलीज तक जाती हैं। यहां पर चैत्य प्रकार की खिड़कियां, उड़ते देव और बोधिसत्व अपनी सेविकाओं सहित। इसका बाहरी हिस्सा इतना चमकदार है जैसे लकड़ी का बना हो। अब आती हैं 8वीं शताब्दी की गुफाएं। गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 12 पहली 3 मंजिलों की है और उसमें एक निचला स्तर भी है। ऊपर भिक्षुओं का वास स्थान
और यात्रियों के लिए भी रहने की जगह है। नीचे मंदिर है, दुर्गा और गणेश की मूर्तियां हैं। लगता है बाद में हिंदुओं ने इसका उपयोग किया होगा। गुफा नंबर 12 अंतिम गुफा है। इसमें एक शयन कक्ष है। इसमें एक रोचक शिल्प है। 7 बुद्ध की मूर्तियां श्रेणीबद्ध हैं। ये उस विश्वास की ओर संकेत करता है कि बुद्ध 5000 वर्ष में एक बार अवतार लेते हैं और अब तक 7 बार अवतरित हुए हैं। हिंदू गुफाएं। गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं। इनका निर्माण ईसा पश्चात 600 से 875 तक किया गया। ये देवी देवताओं, अप्सराओं, परियों, पशु, पौधों और वृक्षों से भरपूर हैं। इनकी कारीगरी इतनी महीन और सूक्ष्म है कि इनको बनाने और इनकी योजना बनाने में कई शताब्दियां लगी होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू मंदिरों में अति श्रेष्ठ गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है, परंतु अन्य देवता भी पूजित हैं। ये विश्व का सबसे विशाल अखंड चट्टान के अवशेषों से काटकर बनाया गया मंदिर है। एक ही चट्टान से खोदकर बनाया गया ये यूनान के पार्थेनॉन से दुगना है। स्तंभ से आश्रित दहलीज है जो 3 मंजिल ऊंची है। विशाल शिल्पित चौखटे हैं, कुटी जिनमें बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। आंगन के अंदर 2 बड़ी रचनाएं हैं, नंदी की मूर्ति जो कि शिव भगवान का बैल है, और शिव का प्रमुख मंदिर जिसके सम्मुख वो है। दोनों ही 7 मीटर ऊंचे हैं। एक पत्थर का पुल है जो नंदी के चबूतरे को मंदिर की ड्योढ़ी से मिलाता है। मंदिर में स्तंभ, अंदर और बाहरी कमरे, धार्मिक परिषदों के कक्ष और अंतर्भाग में अति उन्नत शिवलिंग, अति अलंकृत मूर्तियां देवताओं और संयुक्त दंपतियों की हैं। यद्यपि यह शिव मंदिर है, फिर भी इसमें वैष्णव देवता भी हैं। इस मंदिर में अनोखा आश्चर्यजनक शिल्प है। रावण कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता। कैलाश जो भगवान शिव का आवास स्थान है, इसी कारण इसका नाम कैलाश मंदिर पड़ा। 200,000 टन पत्थरों से काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, जिसे पूरा करने में 100 वर्ष लगे। अन्य प्रमुख हिंदू गुफाएं हैं गुफा नंबर 15 दशावतार मंदिर, जिसमें विष्णु के 10 अवतार वर्णित हैं। गुफा नंबर 21 रामेश्वर मंदिर, जिसके प्रवेश द्वार में नदी देवियों की मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 29 धूमर लेना गुफा, जिसकी रचना मुंबई के एलिफेंटा गुफाओं की तरह है। जैन मंदिर। 5 जैन मंदिर 800 से 1000 ईस्वी तक निर्मित हुए थे। ये मंदिर अति विशाल और अच्छे अनुपात के हैं और एलोरा के अंतिम औद्योगिक काल के सूचक हैं। महाराष्ट्र की जैन इमारतों में एलोरा की जैन गुफा श्रेणी श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में गहन अलंकृत नक्काशी के बनाए गए स्तंभ इन गुफा के वास्तुशिल्पियों की निपुणता और कार्य कुशलता के द्योतक हैं। गुफा नंबर 30 नवी शताब्दी के प्रथम पाद में सृजित ये छोटा कैलाश भी कहलाता है। इसे कैलाश मंदिर के प्रतिरूप छोटी आकृति में बनाने की योजना थी, परंतु वह पूरी ना हो सकी। इसमें श्रेणीबद्ध 22 तीर्थंकरों के मंदिर हैं और महावीर गर्भगृह में। उसी समय की गुफा नंबर 32 इंद्र सभा के नाम से प्रख्यात है। यहाँ के जैन मंदिरों में ये अति श्रेष्ठ माना जाता है और महावीर को समर्पित है। एक सामान्य प्रवेश द्वार एक खुले आंगन तक ले जाता है। इसके बीच में मंदिर है। नक्काशी किए हुए हाथियों और तीर्थंकरों से दीवारें भरी हुई हैं। नीचे की दीवार अपूर्ण है, पर ऊपरी सतह में अंबिका और महावीर की मूर्तियां हैं। ये तीर्थंकरों से घिरे हुए हैं। ऊपरी छत बहुत सुंदर गढ़ी गई है। बीच में एक विशाल कमल है और चित्रित मूर्तियां बादलों के बीच नजर आती हैं। ये मंदिर जैन धर्म और उपदेशों के प्रतिरूप हैं और उस मत के कठोर नियमों और वैराग्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये गुफा अन्य गुफाओं की तरह बहुत बड़ी तो नहीं,
पर अति कलात्मक और बारीकी से की गई कृतियां हैं। कईयों में भीतरी छत सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन है और अलंकृत स्तंभ है जो अब भी हम देख पाते हैं। अंततः तीन महान धर्मों के संगम के एक ही स्थान पर मौजूदगी के अलावा एलोरा कलात्मक सुंदरता का और सृजन शक्ति का स्मारक है जो अनेक शताब्दियों पूर्व बना।